वालेकुम जी, बढ़िया से मलवीज है। पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर सीरीज का आज हमारे पास लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। दो कंसेप्ट्स हैं इसमें मेनली, एक है लिबरलिज्म और एक है फैशिज्म। जो लिबरलिज्म है ना, ये तो एग्जैक्टली द सेम वी हैव स्टडीड इन लास्ट एक्चुअल लिबर्टी। लिबर्टी से ही निकला लिबरलिज्म। तो लिबर्टी क्या था? लोगों की आजादी, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं करेगी इंडिविजुअल्स के मामलों में, और हर तरह की उनको जो है आज़ादी हासिल होगी। और उसमें मैंने लिमिटेशन भी बताई थी कि आज़ादी जो है वो होनी चाहिए, लेकिन ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि जो किसी दूसरे के राइट को इंफ्रिंज करे या किसी दूसरे की आज़ादी को डिस्टर्ब करे। तो लिबरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो वही है, लोगों को उनकी लाइफ में फ्रीडम हासिल होनी चाहिए, वो अपनी अपने फैसले खुद कर सकें, वो जो पॉलिसी मेकिंग्स हैं उनमें उनकी राय शामिल हो, और सब कुछ। इन शॉर्ट जो है, गवर्नमेंट एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस नहीं करेगी लोगों के मामलों में। तो लिबरलिज्म को बढ़ाने की ऐसा जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में भी आप वही चीजें देखेंगे, लेकिन कंसेप्ट इसलिए इम्पोर्टेंट था कि बाज़ुकात क्वेश्चन बिल्कुल आ जाता है कि एक्सप्लेन लिबर्टी विद इट्स काइंड्स, तो वो अलग से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगर लिबरलिज्म के कंसेप्ट पे आता है तो इसमें आपने मीनिंग और डेफिनेशन एटसेट्रा और इसके साथ ना थोड़ा सा सिर्फ दो चार पॉइंट्स ऐड करने की जरूरत है, जैसे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिबरलिज्म है वो पढ़ लें। कहता था कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म एमर्ज्ड ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी का ये कंसेप्ट है जी, तब ये आया था। इट एम्फसाइज्ड इंडिविजुअल राइट्स, इसमें इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई थी, फ्रीडम उनकी आजादी की बात की थी, एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, और वही बात है कि गवर्नमेंट जो है ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करेगी। इसी के दौरान जो है ना वो बात की गई थी राइट टू वोट, के जो औरतें हैं उनको भी वोट कास्ट करने का हक हासिल होगा। आप पढ़ते हैं इंटर में नॉवल पढ़ते हैं मिस्टर चिप्स, तो उसमें भी अगर आप देखें तो कैथरीन और चिप्स के व्यूज के बारे में बात करता है। व्हाट वर द व्यूज ऑफ मिस्टर चिप्स अबाउट वुमन्स एंड व्हाट वर द व्यूज ऑफ कैथरीन अबाउट वुमन्स, तो वो हमने देखा था कि चिप्स जो था बड़े ओल्ड व्यूज का बंदा था। वो कहता था जी औरत को वोट का हक हासिल नहीं होना चाहिए, औरत को राइडिंग नहीं करनी, मतलब वो ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, या औरत को इस तरह बोल्ड जो है नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसके बरक्स जो कैथरीन थी वो कहती थी कि वुमन मस्ट हैव राइट टू कास्ट वोट, और ये वो सारी चीजें। तो ये वो इरा था, वो भी 19 समथिंग की बात है, तो ये 18 सेंचुरी की बात कर रहा है। तो यानी ये वो इरा था जहाँ पे लिबरलिज्म की बात हो रही थी, जहाँ पे औरतों के हकूक की बात हो रही थी, कि ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, इवन ही इज मतलब ब्लैक और वाइट, इज मेल और फीमेल, कुछ भी, तमाम तर लॉ में इक्वल हैं, और उनको उनकी आज़ादी राय का हक होना चाहिए, उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए, और उनको राइट टू वोट होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें फॉलो करती है लिबरलिज्म, जितना मर्जी इसे बढ़ाई जाए ये बढ़ता रहेगा। लेकिन आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, तो मेनली वही इंट्रोडक्शन है कि लोगों को फ्रीडम हासिल होनी चाहिए, उनके राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट होना चाहिए। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में ये 18 सेंचुरी का कॉन्सेप्ट था, इसमें बात की गई थी राइट्स के बारे में, फ्रीडम के बारे में, और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो है वो कम से कम हो। की प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके लिबरलिज्म के? तो प्रिंसिपल्स की आपने वो, जब लिबर्टी का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप उसकी काइंड्स वगैरह को बात करेंगे और सेफगार्ड की बात करेंगे, लेकिन लिबरलिज्म में आता तो इसके आप प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसका क्या है? इंडिविजुअल लिबर्टी, लिबर्टी जो है वो यानी अफराद को उनकी आज़ादी हासिल होनी चाहिए, इक्वालिटी, सब लोग बराबर होने चाहिए, मेल और फीमेल में भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी मतलब जेंडर वाइज भी नहीं होना चाहिए, और दूसरे जो राइट्स हैं वो भी उनको मिलने चाहिए। लिमिटेड गवर्नमेंट, वही बात है आ जाके नाम से जाहिर है कि गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेड इंटरवेंशन करेगी बिटवीन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी सबके सब बराबर होना चाहिए, नो वन इज अबव द लॉ। सोशल टॉलरेंस होनी चाहिए लोगों में, तो ये इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं।
अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कहाँ मिला है, जस्ट बिकॉज ये लोगों की फ्रीडम पे बात करता है, उनकी आजादी राय पे बात करता है। और ये सारी अगर टाइप्स की बात करें लिबरलिज्म की, तो सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म है, कहते हैं दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म। सबसे पहले जो लिबरलिज्म की काइंड आई थी वो ये थी, एम्फसाइजिंग इंडिविजुअल राइट्स, ये इंडिविजुअल राइट्स पे बात करता है, लिमिटेड गवर्नमेंट पे बात करता है, वही सोशल लिबरलिज्म, आल्सो नोन एज मॉडर्न लिबरलिज्म। ये मॉडर्न का तो वो पहले ही जो क्लासिकल थी, सोशल को जो है मॉडर्न के तौर पे ले रहता है। सोशल लिबरलिज्म कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ क्लासिक लिबरलिज्म विद अ फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म ऑफन एसोसिएटेड विद प्रायोरिटाइज फ्री मार्केट्स, डी रेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। कल्चरल लिबरलिज्म यानी आपके कल्चर के हवाले से भी आप के जो राइट्स हैं वो प्रिजर्व होंगे। आगे लिबर्टेरियनिज्म, ये भी एक काइंड है, स्कोप देख लीजिएगा और ऑनवर्ड्स इसकी नेचर है। इट लिबरलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट वैल्यूज इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इट प्रमोट्स पर्सनल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। लिबरल्स बिलीव इन प्रोग्रेस, टॉलरेंस एंड द पावर ऑफ रीजन टू शेप सोसाइटी फॉर द बेटर। कंक्लूजन में, इन कंक्लूजन लिबरलिज्म प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल राइट्स, फ्रीडम एंड इक्वालिटी व्हाइल एडवोकेटिंग फॉर लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन। एक ही बात है बार बार कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है ना इसमें लिबरलिज्म में कम से कम होनी चाहिए और लोगों को उनकी आजादी हक देना चाहिए। इट एम्बेरस प्रोग्रेस, टॉलरेंस एंड बिलीव दैट रैशनल थिंकिंग कैन इम्प्रूव सोसाइटी। तो ये लिबरलिज्म सिंपल सा कंसेप्ट था, एज लाइक लिबर्टी, कि लोगों को उनका हक देना है, उनकी आजादी देनी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, हर तरह की फ्रीडम उनको हासिल होनी चाहिए वाइल लिविंग इन द सोसाइटी, और गवर्नमेंट को उसमें कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो ये 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है, इसमें देख लीजिएगा कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, वो डिफरेंट दो चार थिंकर्स की बात कर लीजिएगा, और इस पे आप क्रिटिसिज्म की भी एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद अगर आ जाए फैशिज्म पे, टोटली ऑपोजिट है, उसमें क्या बात करता है लिबरलिज्म में कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात करता है कि गवर्नमेंट सुप्रीम होनी चाहिए, सुप्रीम अथॉरिटी होनी चाहिए और लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपने फैशिज्म को समझना है तो लिबरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है, वो लोगों को इख्तियार देता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि लोगों के पास ताकत होती है, अवाम की पावर होती है, लेकिन फैशिज्म में ऐसा नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट एम्पावर्ड होती है और अवाम के ऊपर कंट्रोल रखती है, अवाम को डरा धमका के रखती है, कानून इतने सख्त बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अगर फैशिज्म का कॉन्सेप्ट देखें, इंट्रोडक्शन कहता है फैशिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स अथॉरिटेरियन रूल, के अथॉरिटी जो है वो रूल करेगी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर सोसाइटी, सोसाइटी के ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा, एंड सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, और लोगों की जो फ्रीडम है उसको दबा के रखा रहेगा। लिबरलिज्म क्या कह रहा था कि उनको फ्रीडम दी जाएगी, फैशिज्म क्या कह रहा है कि उनकी फ्रीडम को दबा के रखा रहेगा। इट एम्फसाइजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट लेड बाय अ डिक्टेटर, कोई डिक्टेटर होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा बड़ी ताकतवर। ऑफन ग्लोरीफाइंग नेशनलिज्म एंड मिलिट्रीज्म कहता फैशिस्ट regimes aim to maintain order through force and often discriminate against certain groups based on race, ethnicity or religion. तो लिबरलिज्म में क्या था, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही थी कि सबके सब इक्वल हैं, लेकिन फैशिज्म क्या बात कर रहा है कि इसमें कहता है डिफरेंस भी पाया जाता है, कलर, क्रीड और रेस की बिना पर ट्रीट किया जाता है, अमीर को माफ, गरीब को सजा दी जाती है। लिबरलिज्म क्या कह रहा था कि फोर्सफुली कंट्रोल नहीं रखना बल्कि उनकी फ्रीडम उनको देनी है। फैशिज्म क्या कह रहा है कि फोर्सफुली जो है ना लोगों के ऊपर कंट्रोल करना, लोगों को मेंटेन करना। मीनिंग अगर देखें, कहता फैशिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दैट प्रमोट्स अथॉरिटेरियनिज्म रूल, एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, ऑफन लेड बाय अ डिक्टेटर। तो एक डिक्टेटर होता है वो लोगों की फ्रीडम को भी दबाता है,
लोगों को उनके राइट्स भी उस वे में नहीं मिल रहे होते जैसे कि एक लिबरलिज्म कॉन्सेप्ट के तहत मिल रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है फैशिज्म का। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो कहता है फैशिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम वेयर अ स्ट्रॉन्ग लीडर हैज अ टोटल कंट्रोल। एक स्ट्रॉन्ग लीडर होता है पावरफुल, उसके पास सारा कंट्रोल होता है। सप्रेसिंग ऑपोजिशन, ऑपोजिशन को भी वो दबा रहा होता है। आप देखते हैं कि पार्टी गवर्नमेंट कर रही होती है और बाकी उसके ऑपोजिट जमातें होती हैं, वो जमातों को भी दबा रहा होता है। एंड प्रमोटिंग एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ऑफन यूजिंग फोर्स एंड लिमिटिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। फोर्स भी यूज करता है और लोगों की फ्रीडम को लिमिटेड पे रखा है। तो वही चीजें आप देख रहे हैं कि लिबरलिज्म से बिल्कुल ऑपोजिट है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर इसका पढ़ें, वो 18th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है। ये फैशिज्म जो है एमर्ज इन द अर्ली 20th सेंचुरी एज अ पोलिटिकल आइडियोलॉजी। ये अर्ली 20th सेंचुरी के बाद है। इट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन कंट्रीज लाइक, कहाँ कहाँ ये कंसेप्ट जो है ना वो फेमस हुआ। इटली था, जर्मनी था, ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। तो फैसिस्ट जो है वो एक किस चीज पे बिलीव करते हैं? फैसिस्ट बिलीव इन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज कंट्रोल, के बड़ा सख्त किस्म का कंट्रोल होना चाहिए हुकूमत का ओवर द सोसाइटी। एक्सट्रीम नेशनलिज्म एंड सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, लोगों के राइट्स को दबाने की बात करता है, यानी मुकम्मल आजादी नहीं होनी चाहिए। उसमें भी हमने लिबरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे बात की थी, रूल ऑफ लॉ था, सारे इक्वल होंगे, इक्वालिटी थी कि सब बराबर होंगे, तो फ्रीडम राइट होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए। इसमें सारे के सारे प्रिंसिपल्स उसके ऑपोजिट हैं। वो लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहा था। ये कहता है कि गवर्नमेंट ऐसी होगी कि जो पूरे का पूरा इख्तियार रखती होगी और पूरे का पूरे लोगों को दबा कर रखेगी। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, कहता है अथॉरिटेरियनिज्म। फैशिज्म सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी विद एब्सोल्यूट पावर। एक ऐसी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होगी जिसके पास सारी पावर्स होंगी। लाइक यार आप समझ लें, वही जो मैं अक्सर मिसाल देता हूँ बादशाह वाली, के बादशाह ने कहा जी अनारकली को दीवार में चुन दो, तो उसको चुन दिया गया। जस्ट बिकॉज जो उसके पास अथॉरिटी है, सेंट्रल पावर है, स्ट्रॉन्ग, वो फैशिज्म जो कहेगा वो होगा। वो एक क्या था, वो लोगों के राइट्स को दबाने वाली बात थी ना, कि लोगों को उनकी आवाज भी नहीं उठाने दी जाती थी, लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे उसके फैसले के अगेंस्ट। तो वो ऐसा कंसेप्ट था। नंबर नेक्स्ट पे है नेशनलिज्म। कहता है फैशिज्म प्रमोट्स इंटेंस लॉयलिटी एंड डिवोशन टू वंस कंट्री और नेशन। यानी सब कुछ कौम ही है, इंडिविजुअल्स की बात नहीं होनी यहाँ पे, यहाँ पे कंट्री की बात होनी, कि नेशन ही सब कुछ है। इंक्लूड सॉरी ऑफन एम्फसाइजिंग इट्स सुपीरियोरिटी एंड द नीड टू प्रिजर्व इट्स आइडेंटिटी एंड कल्चर। तो नेशन जो है आपकी, उसको सुप्रीम रखा जाता है, ना कि आपके इंडिविजुअल्स को। लिबरलिज्म में आप क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी होती है और लोग सुप्रीम होते हैं, लोग जो है वो पावर का मुंबा होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। नंबर नेक्स्ट क्या है, टोटलिटेरियनिज्म। कहता है फैशिज्म सीक्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। यानी इंडिविजुअल्स के पास पावर नहीं होती है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, आपकी एक स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट है वो। कहता है इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, कल्चर एंड इवन इंडिविजुअल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। लिबरलिज्म क्या होता है, इंसान अपनी सोच खुद रखता है, अपने फैसले खुद करेगा, लेकिन यहाँ पे इतनी मतलब सख्ती होती है कि लोगों के ख्यालात तक जो है पाबंदी लगा दी जाती है, इन सेंस कि हम अपने ख्यालात को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर करेंगे तो कोई ना कोई सजा मिलने। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप आप नाम से जाहिर है, हमारे यहाँ पे भी कई डिक्टेटर्स आए जिन्होंने जीना हराम कर दिया। कहता है फैशिज्म फेवर डिक्टेटोरियल डिक्टेटरशिप, सॉरी लीडरशिप स्टाइल विद एन ऑल पावरफुल लीडर्स हु इज ऑफन सीन एज अ चैरिस्मेटिक फिगर गाइडिंग द नेशन टूवर्ड्स द इट्स गोल्स। तो यानी एक लीडर होता है और वही रूल करता है और उसी के पास सारी पावर्स होती हैं और वही बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। एंटी डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म क्या था, डेमोक्रेटिक निजाम पे बिलीव करता था कि लोगों के पास पावर होगी, लोगों के पास राइट्स होंगे। ये एंटी डेमोक्रेटिक है, यानी इसमें लोगों के पास राइट्स नहीं दिए जाते। मिलिटेरियनिज्म सॉरी मिलिटरिज्म, कहता है फैशिज्म ग्लोरीफाइज द मिलिट्री एंड प्रमोट्स अ स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव स्टांस इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ऑफन सीकिंग एक्सपेंशंस एंड टेरिटोरियल कंक्वेस्ट। तो इसमें मिलिट्री का जो आप समझते हैं ना सिस्टम कितना मतलब हमारे पास में भी आपने देखा डिफरेंट मार्शल लॉ लगे, तो तब क्या होता है बड़ी इंटेंस सिचुएशन हो जाती है, लाइक उसको प्रमोट करता है।
अगर हम फैशिज्म के डी मेरिट्स पढ़ें तो डी मेरिट्स क्या है, नुकसान क्या है, तो वो सिंपल सी बात है कि सुप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, तो इंसान की जो फ्रीडम है वो दब जाती है, वो कहीं नहीं रहती। लिबरलिज्म में क्या होता है, फ्रीडम को प्रमोट किया जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, वो सप्रेस हो जाती है, हमारी फ्रीडम दब जाती है, हम फ्रीली कोई काम कर नहीं सकते। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, ऊपर भी पढ़ा है कि फैशिज्म में क्या होता है, डेमोक्रेसी नहीं होती, अवाम की पावर नहीं होती। कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी, क्या था, फैसिस्ट लीडर्स आर ऑफन रिवर्ड एंड ग्लोरिफाइड, क्रिएटिंग अ पर्सनैलिटी कल्ट, दिस कैन लीड टू द सस्पेंशन सॉरी सप्रेशन ऑफ डिसेंटिंग ओपिनियंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन अनक्वेश्चनिंग लॉयलिटी टू द लीडर। तो यानी लोगों के दरमियान एक ऐसी डर पैदा कर दिया जाता है कि हम उस लीडर के खिलाफ कोई क्वेश्चनिंग तक नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो अंदर हो रहेंगे। ऐसी सिचुएशन होती है ना कि आप बात भी नहीं कर सकते हैं, वरना तो इन्हें अदालत ला लेगी। नेशनलिस्टिक पॉलिसीज, कहता है इट ऑफन एम्फसाइजेस अ सेंस ऑफ रेशियल और एथनिक सुपीरियरिटी, लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्रेशन। लैक ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती फैशिज्म में। ह्यूमन राइट्स जो है उनको दबा के रखा जाता है, उनपे बात ही नहीं होती, वो प्रोवाइड ही नहीं किए जाते इन ट्रू सेंस। नेचर ऑफ फैशिज्म, ये पैरा दिया जी पढ़ लीजिए। कंक्लूजन में सिंपली लिबरलिज्म का कंसेप्ट उल्ट कर देना है, वहां पे फ्रीडम की बात की गई थी, यहाँ पे फ्रीडम को दबाया गया, वहां पे लोगों को राइट्स दिए गए थे, यहाँ पे लोगों को राइट्स छीने गए, वहां पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, यहाँ पे अगर बोलेंगे तो अंदर हो जाएंगे, वहां पे लोगों को मतलब फ्रीली आप कंट्री के अंदर कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे आप पे बहुत किस्म की पाबंदियां लगा दी जाती हैं फैशिज्म। कहता है हिस्ट्री हैज शोन द डेवस्टेटिंग कंसिक्वेंसेस ऑफ फैशिस्ट रिजीम, हाईलाइटिंग द नीड फॉर विजिलेंस इन सेफगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये थे आपके दो कंसेप्ट, लिबरलिज्म एंड फासिज्म। लिबरलिज्म जो है वो लोगों की पावर की बात करता है, लोगों की फ्रीडम की बात करता है, बात करता है कि लोगों को मैक्सिमम लिबर्टी होनी चाहिए, लोग अपनी मर्जी से अपने फैसले कर सकें। लेकिन फैशिज्म क्या कहता है, नहीं जी, गवर्नमेंट के पास पावर होगी, गवर्नमेंट जो है सारे फैसले करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी हाउ टू रन इन द सोसाइटी, ये वो सारे मामला। ठीक हो गया जी, तो ये 18th लेक्चर था, एक दो लेक्चर था, मजीद इस सीरीज के करेंगे, देन हम मंडे से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपनी सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट करें। वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी स्टार्ट करनी है। थैंक यू रियली मच, वेरी मच। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू।